हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। आई होप आपकी जो तैयारी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा बीपीएससी का सेट नंबर 7। ठीक है, जो 70th बीपीएससी आपका आएगा उसके लिए सेट नंबर 7 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पीछे स्क्रीन जो है ऑन हो रही है, दो बार ऑफ हो के मतलब मेरी पीडीएफ नहीं खुल रही थी तो आपको शायद दिख रहा होगा पीछे। ठीक है, और करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक बार स्टार्ट हो जाने दे। और तब तक अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डेली क्लासेस दिया करो, जो भी हम डेली क्लासेस करते हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि हम एक जल्दी ही एमसीक्यू कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जो सबकी निगाहें, सभी स्टूडेंट्स की निगाहें हैं उस कोर्स के ऊपर। क्योंकि उस कोर्स में, उस बैच में हमने सिर्फ और सिर्फ 500 बच्चों को टारगेट करना है, 500 बच्चों को सिलेक्टिवली पढ़ाना है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा जब हम लॉन्च करेंगे। और किधर गया भाई पेन? किधर गया, किधर गया पेन? क्या हो गया ये? चलिए तो स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं 70th बीपीएससी सेट नंबर 7। और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। बढ़ते हैं आगे जी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे ये सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आप फॉलो कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपके लेक्चर्स पीडीएफ वगैरह जो होते हैं वो सारे के सारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम यहाँ पे शेयर करते हैं आपके साथ। बाकी आप किसी भी सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आप फॉलो कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल है आपकी प्रेपरेशन के लिए, और आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। कोई भी लेक्चर है, पीडीएफ है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर देता हूँ, जो आपको काम आता है। अगर आप 70th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बैचेस ले सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप स्टडी आईक्यू ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके भी बिहार पीसीएस का प्री प्लस मेंस का बैच आप ले सकते हैं। और उसमें आपको एक कोड लगाना है वीआईपी लाइव। अगर ये कोड लगाएंगे तो आपको मेजर डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और ये कोड लगा लेना और आपको डिस्काउंट जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और आप इजिली जो है इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की तैयारी दोनों आपको यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेशन में पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। अंडर विच स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड? देखो, पहली बात तो स्केड्यूल की बात आई है, दूसरी बात आई है ट्राइबल एरियाज की बात आई। आपको याद होगा हमारे जब संविधान बना था तो 8 स्केड्यूल थे, अब हमारे 12 स्केड्यूल देखने को मिलते हैं। अब उसमें भी ट्राइबल एरियाज के 2 स्केड्यूल हैं, पांचवा और छठा, फिफ्थ स्केड्यूल और सिक्स स्केड्यूल। फिफ्थ स्केड्यूल जो है सारे स्केड्यूल्ड एरिया के बारे में बात करता है एक्सेप्ट, और सिक्स स्केड्यूल जो है सिर्फ 4 स्टेट्स के बारे में ट्राइबल एरिया में बात करता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की बात आती है सिक्स स्केड्यूल में, बाकी जो आती है बात वो फिफ्थ स्केड्यूल में देखने को मिलती है। तो यहां पे भी वही बात करी गई है कि कौन सा ऐसा स्केड्यूल है जहां पे जो है ट्राइबल लैंड के ऊपर जो है प्राइवेट पार्टीज की माइनिंग जो है वो डिक्लेयर नल एंड वॉइड करी गई है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन बनेगा, पांचवा स्केड्यूल। अगर यहीं पे ही असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की बात आती है तो वो बात आएगी आपके सिक्स स्केड्यूल में देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहां पे ट्राइबल एरिया लिखा है तो इसीलिए इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका बी ऑप्शन, फिफ्थ स्केड्यूल इज द राइट आंसर, पांचवा स्केड्यूल।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब जो थर्ड स्केड्यूल है यहां पे लिखी गई है शपथ के बारे में, ओथ के बारे में लिखा गया है। नाइन्थ स्केड्यूल की अगर हम बात करते हैं यहां पे लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करी गई है, यहां पे बात करी गई है जमींदारी प्रथा को खत्म करने में बात करी गई है, यहां पे लिखा गया है वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट की बात करी गई है, और इसमें आपकी अमेंडमेंट आई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, ये नाइन्थ स्केड्यूल में लिखा गया है। बारहवें स्केड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो म्युनिसिपैलिटी की बात आती है, और म्युनिसिपैलिटी में यहां पे एक अमेंडमेंट आती है 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो इंप्लीमेंट होता है 1993 में, और इसमें 18 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाती है म्युनिसिपैलिटी। और म्युनिसिपैलिटी की अगर हम बात करते हैं पहली बार जो है आपकी म्युनिसिपैलिटी मद्रास में देखने को मिली थी, तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा बी, फिफ्थ स्केड्यूल इज द करेक्ट आंसर, पांचवा स्केड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ब्रॉन्ज जो होता है तांबा, ठीक है तांबे की बात करते हैं ब्रॉन्ज की बात करते हैं, ये एलॉय होता है कॉपर और किस चीज का, सॉरी ब्रॉन्ज मतलब कांस्य, ब्रॉन्ज मतलब कांस्य, ठीक है कांस्य जो है आपका वो किस चीज का एलॉय होता है, सो वो होता है कॉपर एंड टिन का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब यहां पे बात करते हैं कॉपर एंड टिन का, और इसमें रेशियो कितनी होती है, कॉपर जो होता है वो 90% देखने को मिलता है और टिन जो है आपको 10% देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूं ब्रॉन्ज की, तो ब्रॉन्ज एज किसे कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम और किस नाम से जानते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, प्राक ऐतिहासिक वर्ड से भी जाना जाता है। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर जो है पहला फर्स्ट मेटल जो आपका डिस्कवर किया गया था किस टाइम पे, चालकोलिथिक टाइम पे, चालकोलिथिक एज में ये ढूंढा गया था, ऑप्शन सी। निकल की अगर हम बात करते हैं आपको पता होगा नाइक्रोम वायर, अभी इलेक्ट्रिकल हीटर्स निकलेंगे सबके घरों में क्योंकि ठंड बढ़ रही है, तो नाइक्रोम का मतलब क्या है, नाइक्रोम मतलब निकल क्रोमियम एंड आयरन का मिश्रण है, जो इलेक्ट्रिकल हीटर में वायर होती है वो नाइक्रोम वायर देखने को मिलती है। आयरन की अगर हम बात करते हैं अर्थ क्रस्ट की बात करें, अगर अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं सबसे ज्यादा मिलने वाला मेटल, अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा मेटल कौन सा मिलता है, पहले नंबर पर एल्यूमिनियम, दूसरे नंबर पर आयरन। अगर मैं एलिमेंट की बात करूं अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट की बात करूं तो पहले नंबर पे ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्युमिनियम, देन आयरन और देन कैल्शियम देखने को हमें मिलता है। लेकिन मेटल की फॉर्म की बात करें तो पहले एल्युमिनियम मिलता है नंबर वन पे, नंबर टू पे आयरन देखने को मिलता है, ये हमने बात करी। आयरन की बात करते हैं इसकी ओर है हेमेटाइट, लेमेनाइट, मैग्नेटाइट, साइट्राइट, आयरन पायराइट, सो दीज आर द ओर्स। आयरन पायराइट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है, फूल्स गोल्ड जिसे हम क्या कहते हैं Fe2S के नाम से जानते हैं। लोहे के ऊपर अगर जंग लग जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। लोहे के ऊपर जंग लगने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, ऑक्सीजन यानी कि एयर और मॉइस्चर यानी कि वाटर, इसकी जरूरत होती है। जैसे आयरन के ऊपर जंग लगती है रस्टिंग होती है, अंदर से वो जो आयरन है वो खोखला होता है, दैट इज कॉल्ड करोजन होता है। अब वो करोजन को हटाने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर हम इलेक्ट्रिक करंट से उसके ऊपर एक परत चढ़ा दें तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और उसकी जो जो है वो खत्म हो जाएगी, जंग खत्म हो जाएगी। और अगर हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं नॉर्मली, उसे हम क्या कहते हैं, गल्वनीकरण और गल्वनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, कौन सा वन में है। और एल्युमिनियम की अगर हम बात करते हैं अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला सबसे बड़ा मेटल, और एल्युमिनियम की ओर कौन सी है, बॉक्साइट और कोरंडम, बॉक्साइट और कोरंडम, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ऑप्शन इसमें क्या बनने वाला है आपका, सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज टिन, टिन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, Which one of the following instrument is used for measuring the moisture content of the air? भाई हवा में जो moisture है उसको अगर आपने measure करना है वो क्या होगा? हवा में moisture का मतलब क्या होता है? Humidity. हवा में moisture का मतलब क्या होता है? Humidity. अब दो तरीके से होती है वो humidity, एक तो होती है absolute. Absolute का मतलब क्या होता है? Real और actual.
कि भाई हवा में असल में कितनी मॉइस्चर है। एक होती है रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब ये होता है कि हवा अगर एयर हमारे रूम में इतनी ह्यूमिडिटी है और इतनी आ सकती है तो दैट इज कॉल्ड आपकी रिलेटिव। जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, रियल और एक्चुअल में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, और इसको मापने के लिए हमारा जो यंत्र होता है वो होता है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो ये वाटर की डेंसिटी को मेजर करता है, वाटर की डेंसिटी, और वाटर की डेंसिटी कौन से टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मैक्सिमम देखने को हमें मिलती है यहां पे। क्लियर जी? जी 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 जी, समझ में आया। और यहां पे जो लिखा हुआ है पाइकनोमीटर, यहां पे ये करता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स को मेजर करने में, उसकी डेंसिटी को मेजर करने में, ये सब चीजों में पाइकनोमीटर का काम होता है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो यहां पे ऑप्शन बनेगा जी बी, हाइग्रोमीटर इज द करेक्ट आंसर, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रचंड बेरोजगारी का मतलब क्या है? देखो प्रचंड बेरोजगारी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया है, बहुत बार आपको एग्जांपल्स बताई हैं। इसका मतलब ये होता है कि जहां पे आपको 2 बंदों की जरूरत होती है काम करने पे, वहां पे आपने 10 बंदे लगा रखे हैं। अब 2 बंदे भी उतना ही काम करेंगे, उतने टाइम में काम करेंगे, और 10 बंदे भी उतना ही काम उतने टाइम में कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो 2 करें चाहे वो 10 करें, प्रोडक्शन जो होगी वो क्या होगा, प्रोडक्शन जो होगा वो सेम होगा। तो इसका मतलब ये है, ये 2 के बाद जो +1 आ रहा है यानी कि तीसरा बंदा, +2 आ रहा है यानी कि चौथा बंदा, +3 आ रहा है यानी कि पांचवा बंदा, ये जो बंदे हैं इनका जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, 0 हो रही है। और एक बंदे की प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है। तो इस केस में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है लेबर की वो 0 हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 1 इज द करेक्ट आंसर। और ये हमें कहां पे देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर फील्ड में देखने को मिलती है। अब ये एग्रीकल्चर फील्ड का मतलब क्या है, आपने देखा होगा गांव में किसी बंदे का खेत है, तो आपको देखने को मिलेगा वहां पे बाप भी काम कर रहा है, उसकी वाइफ भी काम कर रही है, उसके 2 बच्चे हैं वो भी काम कर रहे हैं, उनकी दोनों वाइफ भी आती रहती हैं वहां पे काम करने के लिए, और अगर उनका कोई आगे बच्चा है वो भी बीच में कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो डैड मीन्स यहाँ पे जो वो जो मतलब पिता काम कर रहा है वही सारा काम कर सकता है, इन बंदों की क्या जरूरत थी। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है, प्रोडक्शन सेम रहती है, तो यहां पे ऑप्शन क्या बनने वाला है, ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो आपका करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच, कौन सा पेयर जो है वो आपका करेक्टली मैच देखने को नहीं मिलता। देखिए जी, मुंडा रिवोल्ट की बात करते हैं, आपका 1899 में था। विलोर म्यूटिनी की बात करते हैं, ये 1806 में था। संथाल जो है आपका 1855 में था। चुआड जो है ये नहीं था। ये जो आपका रिवोल्ट है ये 1771 से लेके 1815 तक जो है, सॉरी 1809 तक आपका ये जो रिवोल्ट है ये फैला है, तो ये आपका ऑप्शन बन गया, दिस इज नॉट द करेक्ट वन। देखो सीधी सी बात है, जितने भी रिवोल्ट हुए हैं, रेबिलियन हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड के लिए हुए हैं, जहां तो प्रोडक्शन का बहुत सारा हिस्सा सरकार लेके जा रही है, ब्रिटिश इंडिया लेके जा रहा है, या फिर आपकी लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है आपसे, तो यही मुद्दे रहते थे इन रिवोल्ट्स के, तो वो ही है आपका ऑप्शन नंबर 4, चुआड रेबिलियन 1771 से 1809। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पे भूर सिंह द बारा सिंगा उसका ऑफिशियल मैस्केट घोषित किया गया है। इनमें से कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पे भूर सिंह द बारा सिंगा द ऑफिशियल मैस्केट जो है आपका घोषित किया गया है, तो ये है जी आपका कान्हा टाइगर रिजर्व। ये कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पे है, मध्य प्रदेश में देखने को हमें मिलता है, मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर की बात करते हैं, ये राजस्थान में है, ठीक है। पन्ना जो है आपका जो है मध्य प्रदेश में है,
पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, एक पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, वो आपका 12वां बायोस्फीयर रिजर्व बना जो उसमें ऐड किया गया यूनेस्को के मैरीन बायोस्फीयर प्रोग्राम में। देखो अगर मैं बात करता हूं कि हमारे टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं 18, तो उसमें से जो 12 हैं वो मैरीन बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को के अंतर्गत देखने को हमें मिलते हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखना। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका, डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाँ ये भी याद कर लो, नामेरी कहां पे है, नामेरी इज इन द असम, नामेरी इज इन द असम, तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, डी, कान्हा टाइगर रिजर्व, ऑफिशियल मैस्कट बोरसिंग द भारासिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा जो होती है किसी भी फाइनेंस बिल को लोकसभा से कितना डिले कर सकती है अपनी कंसिडरेशन के लिए। देखो सीधी सी बात है, यहां पे बात किसके ऊपर आ रही है, मनी बिल की ऊपर बात कर रहा है। ठीक है, मनी बिल का आर्टिकल नंबर कितना होता है, 110। एक बिल को मनी बिल तब कहा जाता है जब इसके ऊपर जो है स्पीकर के साइन हो जाएं, स्पीकर के साइन हो जाएं। ये मनी बिल जो आता है वो हमेशा किस में आता है, लोकसभा में आता है। पास करने की अवधि जो होती है 14 दिन की होती है। राज्यसभा किसी भी बिल को अगर डिले करना चाहे तो वो मैक्सिमम जो है वो 14 दिन तक ही डिले कर सकते हैं। राज्यसभा किसी भी बिल को जो है, खास करके मनी बिल की बात कर रहे हैं, राज्यसभा अगर कुछ भी बदलाव करे, अमेंड करे, तो वो वापस जाएगा लोकसभा में। लोकसभा की मर्जी होगी कि राज्यसभा की बातें माने या ना माने, खास करके मनी बिल के केस में। तो यहां पे बात आ जाती है, मनी बिल के केस में नो डाउट हम राज्यसभा को बिल दिखाते हैं, और ये जो है मनी बिल के केस में राज्यसभा की कोई भी पावर देखने को नहीं मिलती। तो इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के लिए ही डिले कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो मनी बिल हमेशा लोकसभा में आता है, राष्ट्रपति की परमिशन से आता है, ये भी आपको याद रखना है। मनी बिल में लिखा क्या होता है कि कोई भी आपने टैक्स लगाया, बढ़ाया, घटाया, ये सब चीजें लिखी होती हैं। जहां हमारे मंत्रियों वगैरह की, लोगों की जो ऑफिशियल्स होते हैं उनकी सैलरीज लिखी होती हैं, या फिर अगर आप कोई देश आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो, या लोन दे रहे हो, या लोन ले रहे हो, उनका इंटरेस्ट जो हम ले रहे हैं, दे रहे हैं, उसके बारे में लिखा होता है। कस्टडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है आपका खर्चा जो भी होगा वो इसमें लिखा होगा। तो ये सारे खर्चे जो होते हैं मनी बिल के केस में लिखे होते हैं। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी, वन इज द करेक्ट आंसर। एक और चीज याद रखनी है, यहाँ पे जो 6 महीने लिखा है, देखो सीधी सी बात ये है, एक बिल की लाइफ जो होती है, एक नॉर्मल बिल की लाइफ होती है आपकी कितनी, 6 महीने होती है। 6 महीने बिल को इधर उधर किया जा सकता है, बट मनी बिल जो है 14 दिन के अंदर पास हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, 14 days इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताइए जी, यहां पे क्वेश्चन है जी, बायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, जहां पे लिविंग की बात आती है, बायो मतलब लिविंग, ठीक है। बायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम, एक होते हैं ए बायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग के ऊपर बात आती है। बायोटिक फैक्टर इसमें से कौन होंगे, यहां पे होगा आपका प्लांट्स, कौन समझ में आया, यहां पे क्या होंगे, प्लांट्स, प्लांट्स आर द बायोटिक फैक्टर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर ये सनलाइट, सॉइल, टेम्परेचर, पीएच, हवा, ये सारे क्या हैं, तो दे आर द नॉन बायोटिक फैक्टर, आप कह सकते हो दे आर द ए बायोटिक फैक्टर। कौन सा मन में आया, ये याद रखना है। प्लांट्स की बात करूं, एनिमल्स की बात करूं, ऑटोट्रॉफ की बात करूं, हेटेरोट्रॉफ की बात करूं, कंज्यूमर्स की बात करूं, डेट्रिवोर्स की बात करूं, सो ऑल दीज आर इन द बायोटिक। क्लियर, ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी, ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर वन, प्लांट्स आर द करेक्ट आंसर। यहां पे देखो बायोटिक जिसमें डक्स, फिश, प्लांट, बैक्टीरिया, ऑल दीज आर द बायोटिक फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस इकोसिस्टम की बात करें। ए बायोटिक फैक्टर की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे देखो सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल, वाटर, पीएच, ये सारी कंडीशन जो होगी ये किस में होगी, ए बायोटिक फैक्टर में देखने को मिलेगी। अगला बताइए, ये कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं और रिवर्स हैं, तो आपको बताना है कि किस किस के ऊपर कौन कौन सी चीज देखने को हमें मिलती है। अगर मैं मैथॉन प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करता हूं, ये तो मैथॉन जो है वो है बाराकर रिवर के ऊपर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।
ऑप्शन नंबर तीन झारखंड में देखने को मिलता है, धनबाद में देखने को हमें मिलता है, झारखंड धनबाद। तो ये ए का ऑप्शन क्या बनेगा, थ्री ऑप्शन बनेगा यहां पे। सलल प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, सलल प्रोजेक्ट ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है चेनाब रिवर के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर, ये नंबर फोर। राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज इन द राजस्थान रावत भाटा, तो ये जो है राजस्थान रावत भाटा मतलब चंबल रिवर के ऊपर, राजस्थान रावत भाटा, ये चीज ध्यान रखनी है। टेहरी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं, ये रिवर भागीरथी के ऊपर है, और रिवर भागीरथी के ऊपर है कहां पे, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। कौन सा समझ में आया? सो तीन चार एक दो बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा बट अदरवाइज फोर ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहां पे फोर ऑप्शन है, वो तीन चार एक दो बनेगा करेक्ट आंसर, तीन चार एक दो। बट अगेन तुम्हें स्टेट भी पता होनी चाहिए, तुम्हें रिवर्स भी पता होना चाहिए, पेपर में आ जाते हैं क्वेश्चन। तीन चार एक दो बनेगा करेक्ट आंसर, तीन चार एक दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन रूल क्या है फिस्कल पॉलिसी का इंडिया में, गोल्डन रूल क्या है फिस्कल पॉलिसी का इंडिया में। देखो गोल्डन रूल फिस्कल पॉलिसी का ये होता है कि आप कोई भी, देखो फिस्कल पॉलिसी होती कौन है, क्या होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती क्या है फिस्कल पॉलिसी में, भाई जो आपके पास टैक्स आए हैं उस तरीके से आपको खर्च करना है, एक्सपेंडिचर करना है, तरह तरह की चीजें करनी है आपको, ताकि आपकी सारी चीजें जो है वो बराबर हो जाए, यानी कि टैक्स को मैनेज करना, खर्च करना, सब चीजें वो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट आता है। अब बात यहां पे ये होती है कि गोल्डन रूल क्या है फिस्कल पॉलिसी का, अगर बात करी जाए बोरिंग ओनली फॉर द करंट एक्सपेंडिचर, देखो करंट एक्सपेंडिचर के ऊपर हम नहीं बोरो कर सकते, ये गोल्डन रूल नहीं है। हाँ ये जरूर है कि अगर आप उधार ले रहे हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है भाई, रोड बनाओ, सड़कें बनाओ, हॉस्पिटल्स बनाओ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दो, दीज आर द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। हाँ इसमें आप उधार ले सकते हो, जितना लेना है उतना उधार लीजिए। तो गोल्डन रूल यही कहता है कि आप पैसा उधार लीजिए तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए। रोड्स की बात करी जाए, स्कूलों की बात करी जाए, एजुकेशन की बात करी जाए, बैंकों की बात करी जाए, हमारे हॉस्पिटल्स की बात करी जाए, ठीक है, सो दीज आर द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए, ब्रिज की बात करी जाए कि हाँ जहां से आपका खर्चा बचता है, जहां से लोगों का खर्चा बचता है, ऐसी चीजें करी जाए, जहां पे हमारी ये बसें नहीं पहुंच पा रही वहां पे बसें पहुंचाएं, सड़कें बनाएं, ठीक है, जहां पे आपको पता है कि हाँ मेट्रो से काम चलेगा वहां पे मेट्रो लगाएं। तो दैट इज कॉल्ड आपका गोल्डन रूल फॉर द फिस्कल पॉलिसी। ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सो यहां पे आप पैसे उधार लेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीकेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैड कॉज्ड द भोपाल गैस ट्रेजेडी इन द ईयर 1984। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ 1984 में, इसमें कौन सी गैस जो है वहां पे लीकेज हुई, वहां पे जो फैक्ट्री थी आपकी थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री कहां पे है, भोपाल में, और वहां से जो गैस की लीकेज हो रही थी तो दैट वॉज मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर वन, मिथाइल आइसोसाइनेट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर वन, मिथाइल आइसोसाइनेट, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर वन, जी ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, ये याद कर लीजिए, मिथाइल आइसोसाइनेट, ओके, यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री में। और ये जो मतलब डिजास्टर हुआ था 2 और 3 दिसंबर रात, 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर मॉर्निंग, और यहां पे जो है आइसोसाइनेट गैस निकली यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट से, लीकेज हुई और बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है मध्य प्रदेश भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, ये अगला क्वेश्चन कहता है ऋग्वेदा के अंदर किस बैटल का वर्णन किया गया है, कौन सी ऐसी बैटल है जहां मतलब ये बात करी गई है, जी देखो इसमें बात करी गई है द बैटल ऑफ 10 किंग्स की बात करी गई है, जिसे हम क्या कहते हैं 10 राजन वॉर,
क्या कहते हैं, दस राजन वॉर की बात करते हैं, दस राजन वॉर। ओके, ये किस रिवर के किनारे पे लगाई गई, लड़ी गई, रिवर रावी के किनारे पे लड़ी गई, और रिवर रावी को हम ऋग्वेद में क्या कहते हैं, पुरुषनि के नाम से जानते हैं, ये याद रखना है तुम्हें। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं तो ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वर्ल्ड का, ओल्डेस्ट टेक्स्ट, और इसको पढ़ने वाला जो पंडित है उसे हम क्या कहते हैं, होत्री के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद की बात करी जाए यहां पे 1028 हाइम्स हैं, ठीक है, 10 मंडल हैं, 10 मंडल, और जो आपका 10th मंडल है वो कौन सा है, पुरुषुक्ता मंडल, पुरुषुक्ता मंडल। और ये पुरुषुक्ता मंडल में हम वर्ण सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ये वर्ण सिस्टम क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की बात आती है। गायत्री मंत्र 3rd मंडल में लिखा गया है, ये याद रखना है आपको। सबसे ज्यादा जो हाइम्स हैं वो कौन से भगवान के लिए हैं, पुरंदर जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्स, और क्या कहते हैं, भगवान इंद्र के लिए सबसे ज्यादा हाइम्स देखने को हमें मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, 10 किंग्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और ऋग्वेद का उपवेद क्या है, दैट इज आयुर्वेद। आयुर्वेद किसके बारे में डील करता है, मेडिसिन के बारे में डील करता है, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलम प्लैटीहेलमिंथस जो है इसको और क्या कहते हैं, फाइलम प्लैटीहेलमिंथस को और क्या कहा जाता है, प्लैटीहेलमिंथस को और क्या कहते हैं, दैट इज फ्लैट वॉर्म्स। फ्लैट वॉर्म्स के नाम से जाना जाता है किसको, प्लैटीहेलमिंथस को, That is flatworm. अब ये flatworm का example कौन सा है यहाँ पे, tapeworm. Option number one. Tapeworm is the correct answer. Option number one is the right one. Clear? अगर मैं ये blood sucking leech की बात करता हूं तो leech किस में आता है, annelids के अंतर्गत देखने को मिलता है, annelids. Clear? Roundworm की अगर हम बात करते हैं तो ये nemahelminthes, nematodes की बात कर सकते हैं, nemahelminthes उसमें लिंक करता है ये। क्लियर, अर्थवर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है अगेन एनालिड्स की बात आती है। क्लियर, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए। अर्थवर्म की बात करें इसे हम फार्मर्स फ्रेंड के नाम से भी जानते हैं, विलेज फ्रेंड के नाम से भी जानते हैं। द रीजन इज अर्थवर्म जो है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, ये याद रखें, ठीक है। लीच की अगर हम बात करते हैं, ब्लड सकिंग लीच की अगर हम बात करते हैं तो लीच क्या करता है, ब्लड को सक करता है, और जो पुराने टाइम पे सर्जरी करवा देते थे, सर्जरी होती थी दो टिश्यूज को जोड़ना, वो लीच कर देता था, क्योंकि वो करता रहता था ऐसे और वो टिश्यू एक्चुअली में जुड़ते रहते थे। सो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर वन। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, सबसे बड़ा फाइलम जो है वो है आर्थ्रोपॉड्स, और दूसरे नंबर पर आता है मोलस्क, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए। टेपवॉर्म इज द करेक्ट आंसर, टेपवॉर्म। यहां पे एग्जांपल देख लीजिए, ये प्लैटीहेलमिंथस की एग्जांपल है जिसमें आपके फ्लैटवॉर्म्स की बात आ जाती है, मोनोजियंस की बात आती है, फ्लूक्स की बात आती है, टेपवॉर्म की बात आती है, तो ये एग्जांपल्स के नाम याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें ऐसी कौन सी चीज है, जैसे मरकरी की कंजम्पशन अगर आपकी बॉडी में आ जाए और नाइट्रेट की कंजम्पशन आपकी बॉडी में आ जाए तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। देखिए जी, अगर मैं बात करता हूं मरकरी, मरकरी का जो सिंबल है वो होता है HG, ठीक है, इसके ऊपर चलो बाद में बात करेंगे। और नाइट्रेट जो है इसकी अगर कंजम्पशन आप करते हैं मरकरी से तो मिनी माटा डिजीज हो जाती है, मिनी माटा डिजीज, और नाइट्रेट की कंजम्पशन से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। पहले तो आंसर टिक करते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो जी यहां पे पोजीशन क्या होती है, देखो मरकरी का सिंबल क्या है, HG, मरकरी की ओर कौन सी है, सिनाबा, ठीक है। मरकरी जो है जम जाता है -39°C के ऊपर, और ये मरकरी जो है अकेला मेटल है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है लिक्विड रहता है। अब अगर -39 के ऊपर जम जाता है तो अगर हमने -40, -50 मापना हो तो हम यूज करते हैं अल्कोहल थर्मोमीटर यूज करते हैं, ये याद रखना, अल्कोहल थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी इज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ ठीक है।
मर्करी की कंजम्पशन से मिनी मार्टर डिजीज हो जाती है, ये याद रखना है। अगर आपकी बॉडी में नाइट्रेट चला जाए तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, मिथ हीमोग्लोबिनीमिया जो है ये बना देते हैं, मिथ हीमोग्लोबिनीमिया, जिसके कारण जो स्किन का कलर है वो ब्लूइश आ जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम का पार्ट बन जाता है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पे मिनी माटा तो सेम हो गया। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, हड्डियां खोखली होना, जैसे हमारे जो हैं मतलब दादाजी हैं बूढ़े जो हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा कभी वो कहते हैं कि पेन होने लग गया है, हड्डियां मतलब कमजोर हो गई हैं, तो एक्चुअली हड्डियां जो अंदर से ना वो खोखली हो जाती हैं। वो खोखली का रीजन क्या है कि उसके ऊपर डेंसिटी जो है वो कम होने लग जाती है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, रीजन इज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कम होने लग जाता है आपकी बॉडी में, याद रखें। ठीक है, ये हमने बात कर ली, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। एक और याद कर लेते हैं, एक होता है कैडमियम। कैडमियम भी अगर आपकी बॉडी में चला जाए, कैडमियम की आपकी बॉडी में चला जाए तो कौन सी जो है प्रॉब्लम हो जाती है कैडमियम से, इटाई डिजीज जो है देखने को मिल जाती है, ये याद रखना। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नॉवल है मिल्कमैन, अन्ना बर्न्स द्वारा रिसीव हुआ है, भाई कौन से नॉवल के लिए मतलब नॉवल जो मिल्कमैन के लिए अन्ना बर्न्स को कौन सा अवार्ड मिला था, ये मैन बुकर प्राइज जो है मिला था, इसके बारे में हम नहीं जानेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर में इतना ही क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि भाई ये है क्या है, तो डेट इज मिल्कमैन अन्ना बर्न्स। अच्छा एक चीज तुम्हें और बता दूं, ठीक है, हमारा जो पूरे साल का करंट अफेयर है 1500 प्लस MCQs वो आ रहे हैं 30 दिसंबर को, सो उस क्लास को मिस मत करना, 30 दिसंबर वाली क्लास को मिस मत करना, 30th ऑफ दिसंबर। नेक्स्ट, पॉलीमर जो मेड होते हैं भाई प्रोटीन के पॉलीमर्स, तो अब बात क्या है जी प्रोटीन के पॉलीमर यहां पे क्या है, डेट इज वूल, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी उन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी वूल उन, ऑप्शन नंबर सी। प्रोटीन्स जो होते हैं अमीनो एसिड के बने होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं। नंबर टू, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जब प्रोटीन का मतलब अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाए, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, क्वाशियरकर रोग हो जाता है, मरास्मस रोग हो जाता है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ऑप्शन नंबर सी। रबड़ की बात करते हैं तो आपको पता है नेचुरल रबड़ जो है लेटेक्स ऑफ द प्लांट से देखने को हमें मिलती है, नेचुरल रबड़, और नेचुरल रबड़ लेटेक्स ऑफ द प्लांट से, और हमारे इंडिया में नेचुरल रबड़ सबसे ज्यादा मिलती है केरला में, और वर्ल्ड वाइड थाईलैंड में मिलती है, याद रखें। और रबड़ बड़ी सॉफ्ट होती है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है, और सल्फर अगर हम डाल दें तो उसे उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, वल्कनीकरण कहते हैं रबड़ का, ये ध्यान रखना है आप। कॉटन की अगर हम बात करते हैं, कॉटन हमारी रेगुर सॉयल में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, रेगुर सॉयल मतलब ब्लैक सॉयल के अंतर्गत, ये जो मिट्टी होती है पानी अगर आ जाए उसमें क्रैक्स वगैरह पड़ जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना है, वॉल्केनिक ओरिजिन होती है ये मिट्टी। कॉटन के लिए जो है आपका सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। जूट की बात करते हैं, जूट के लिए है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, और वर्ल्ड वाइड इंडिया जो है वो ग्लोबल प्रोडक्शन में नंबर वन पे आता है, नंबर टू बांग्लादेश आता है ऑप्शन, और इंडिया में वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होती है, दैट इज जूट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो जी वेपर डेंसिटी है गैस की 32, मॉलिकुलर वेट क्या होगा, देखिए जी मॉलिकुलर वेट की अगर बात करते हैं वो दो गुना होगा वेपर प्रेशर का, मॉलिकुलर जो वेट होता है हमेशा वेपर डेंसिटी का दुगना, यानी कि 64 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 64 इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखना ये फॉर्मूला है, ठीक है 64 इज द करेक्ट आंसर, दो गुना वेपर डेंसिटी के वो होता है मॉलिकुलर वेट। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हायरार्की होती है प्रॉपर तरीके से, हायरार्की का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी स्पीशीज ढूंढते हैं
तो हम उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये वो फलाना धमकाना, ये सारी चीजें, ये क्लासिफिकेशन होती है। और क्लासिफिकेशन किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म की अगर करते हैं उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, लिनियस। हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, लिनियस। अब क्वेश्चन ये है कि ऑर्डर बताना है, करेक्ट ऑर्डर आपका क्या होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर होता है जी फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ऑप्शन नंबर 4। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, यस, जीनस एंड स्पीशीज, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। और फाइलम से भी ऊपर कौन सा होता है, फाइलम से ऊपर होता है किंगडम, फिर होता है डोमेन, ये ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। यहां पे देख लो, स्पीशीज, जीन, यहां से देखो, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। सो दिस इज द ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मूवी आई थी, बहुत पुरानी मूवी है ये, अब तो बहुत टाइम हो गया, हैदर, शाहिद कपूर की मूवी थी ये। तो हैदर मूवी जो है वो किस इंग्लिश ड्रामा के ऊपर बेस्ड है, तो वो बेस्ड है हैमलेट, हैमलेट, बस इतना याद करना है, हैमलेट के ऊपर बेस्ड है ये, हैमलेट। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल स्वीटनर, देखो ये सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं, कहने का मतलब ये हम यूज कर सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन ये है कि वो जो है एक मॉडिफाइड शुगर है, शुगर की मॉडिफिकेशन हमने यहाँ पे करी हुई है, तो वो कौन सा है, यहाँ पे सारे जो है आपके वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर है, लेकिन मॉडिफाइड शुगर कौन सी है, यहाँ पे सुक्रालोज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं बात करता हूं सुक्रोज, सुक्रोज की ही मॉडिफिकेशन है, सुक्रोज को हम और क्या कहते हैं, दैट इज केन शुगर के नाम से जाना जाता है, केन शुगर के नाम से। सुक्रोज जो मिलके बना है वो किसके मिल से बना है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बना है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बना है। ग्लूकोज जो है इंस्टेंट और इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, फ्रक्टोज जो है वो आपकी फ्रूट शुगर है, सबसे मीठी शुगर है ये। तो ऑप्शन यहां पे क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सुक्रालोज इज द राइट आंसर, सुक्रालोज, ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस, ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके की डेली हमारी क्लासेस ऐसे आती चली जाएंगी और आप अच्छे से तरीके से पढ़ते रहो, ठीक है। सारे अपडेट्स जो मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे मिलते चले जाएंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी अपडेट्स होंगे यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से मिलते चले जाएंगे। अच्छे तरीके से पढ़िए, तैयारी कीजिए अपनी और बढ़ेंगे आगे। और बाकी अगर आप 70th बीपीएससी के लिए, 70वें बीपीएससी के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिहार पीसीएस का हमारा बैच ले सकते हैं, जिसमें हम प्री प्लस मेंस की तैयारी करवाते हैं, और इन सभी कोर्सेज के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। नहीं तो आप जो है स्टडी आईक्यू ऐप और वेबसाइट के ऊपर आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। जैसे आप कोर्स बाय करेंगे तो वहां पे आपसे पूछेगा एंटर द कूपन कोड, तो वहां पे ये डाल देना, तो आपको जो है मैक्सिमम मेजर डिस्काउंट देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़िए अच्छे तरीके से, बाकी टेलीग्राम चैनल के साथ हमेशा कनेक्ट रहो मेरे साथ। सो थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।